हाय फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी मेरे एक बहुत फेवरेट वैरायटी ऑफ प्लांट के बारे में, जो है डेंड्रोबियम। अगर आपको घर में इंडोर अगर आपको फ्लावरिंग प्लांट्स चाहिए और बड़ा साइज़ का हो, डिफरेंट कलर का हो, तो आप ये प्लांट ज़रूर ट्राई करना। और अभी मैं बताऊंगी इसके केयर के बारे में। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डेंड्रोबियम के केयर के बारे में बताया था। अगर आप चाहो तो एक बार वो भी मेरे चैनल में देख सकते हो। अच्छा, ये प्लांट आप क्यों रखोगे एक तो ये प्लांट आप इंडोर बहुत इजीली ये ग्रो करेगा, और आप देख सकते हो ये प्लांट का साइज़ कितना छोटा होता है। जस्ट आप देखो, 3-4 इंच इसका साइज़ होता है। और आप कहीं पे भी विंडो सील या कहीं पे भी आप ऐसे हैंग करके रख सकते हो। और इसके कितने सारे डिफरेंट कलर्स हैं आप देखो। ये एक है पीच कलर का है, एक ये वायलेट कलर का है, एक ये आप देख सकते हो येलो एंड वायलेट कलर का है। इसका वाइट कलर का भी आता है, डार्क पर्पल भी आता है। ये फ्लावर्स का देखो थोड़ा सा छोटा शेप का है। उसके बाद एक ये देखो, ये कलर भी बहुत सुंदर है। आप कितने बड़े बड़े होते हैं आप देखो, इतना छोटा जो प्लांट है और इसमें कितने बड़े बड़े इसके फ्लावर साइज़ आप देखो, कितना बड़ा बड़ा है। और एक जो मेरा बहुत फेवरेट है वो है ये प्लांट, इसको बोलते हैं हमिंग बर्ड बटरफ्लाई। आप देख सकते हो कितना सुंदर है ये, बिल्कुल ही बर्ड जैसा है। इसके जो लीफ है, इसके लीफ के लीफ को देखो कैसा है, और ये सेपल पेटल भी बिल्कुल जैसे लग रहा है ना, एक छोटा सा बर्ड है। और ये प्लांट साइज भी देखो आप कितना छोटा होता है। और इसमें ना जो नॉर्मल सॉइल होता है हम वो नहीं यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं कोकोनट हस्क या मीडियम के बारे में मैं फिर से बता दूंगी, या ये चारकोल हो गया, और बहुत सारे मीडियम्स होते हैं जो मैं अभी इस वीडियो में ही बता दूंगी। इसके बाद ना इसका मैं सॉइल बता देती हूँ आपको। पहले जैसे आप देख सकते हो ये कोकोनट हस्क है, और ये है चारकोल, और ये है क्ले सॉइल। तो और एक पाइन बर्ड भी मिलता है, तो पाइन बर्ड थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है और क्ले भी थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। बेस्ट है ये दोनों, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। और चारकोल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे ये एंटी बैक्टीरियल होता है, और ये जो है इसका ये काफ़ी देर तक मॉइस्चर रिटेन करके रखता है। और स्फैग्नम मॉस भी यूज़ होता है, कोकोनट पाइन बर्ड भी यूज़ होता है। बट मैं क्या करती हूँ, मोस्टली मैं चारकोल ज़्यादा देती हूँ, और ये जो कोकोनट हस्क है थोड़ा कम देती हूँ। और किसी किसी तो आप देख सकते हो कि शॉप मतलब नर्सरी से आपको देखो पूरे कोकोनट हस्क से दिया हुआ मिला है। तो जब ये ख़राब हो जाता है ना, आप अगर टच करो तो जो ये ख़राब हो जाता है बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा, तो आप बहुत इजीली समझ पाओगे। और ये जो चारकोल है ना, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ख़राब तो जल्दी होता नहीं है। इसको आप पानी में एक बार धो के दोबारा यूज़ कर सकते हो। और ये जो है क्ले बॉल्स जो है ना, ये भी आप यूज़ कर लिया फिर इसको आप रीयूज़ कर सकते हो, इसको अच्छे से क्लीन करके फिर से। बट ये रीयूज़ नहीं होगा, ये डिकम्पोज हो जाता है, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है। और स्फैग्नम और पाइन बर्ड भी यूज़ होता है, बट मैं पहले करती थी, अभी बिल्कुल ही नहीं करती हूँ ना। अगर ज़्यादा सनलाइट हो तो ऐसे लीफ बर्न हो जाते हैं, पूरा लीफ भी ख़राब हो जाता है। ये एक्चुअली मेरे साउथ फेसिंग बैल्कनी में ना, बिल्कुल जिस साइड में फुल मीन साउथ वेस्ट में रख दिया था, तो आफ्टरनून के सनलाइट इसको बहुत स्ट्रांगली मिल रही थी, तो इसलिए इसका बर्न हो गया। अब फ्लावर्स के कलर देखो कितना सुंदर है। ये इसका ये है लीप, मीन्स ये एक पेटल है, बाकी इसका ये दो पेटल है, और ये सेपल्स है, ये तीन इसका सेपल है। और इसके मतलब ये प्लांट्स सच में इतना सुंदर है, और इतना लाइट वेट है, इतना बड़ा होता है। तो आप मतलब इसको इंडोर फ्लावरिंग प्लांट इट इज़ अ बेस्ट इंडोर फ्लावरिंग प्लांट। और क्या है कि सनलाइट भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, जो फ्लैट में रहते हैं ना उनके लिए तो परफेक्ट है ये प्लांट।
और लाइट मैंने बोला जैसे आपको ईस्ट फेसिंग में रख दिया या साउथ फेसिंग में रख दिया, और या आप नॉर्थ में भी रख सकते हो, जो नॉर्थ में रख सकते हो, बट थोड़ा सनलाइट तो चाहिए, बिल्कुल ही जैसे एकदम ही लाइट नहीं आती है ऐसी जगह पे तो ये नहीं ग्रो कर पाएगा, बट बहुत कम लाइट में ये ग्रो कर जाती है। अभी मैं बताऊंगी आप कैसे इसके वाटरिंग करोगे। आप देख सकते हो ये एक मैंने कंटेनर लिया है, उसमें मैंने पानी पानी लिया है और जस्ट इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख दिया। एक्चुअली इसको बोलते हैं बॉटम सोकिंग, आप ऐसे भी कर सकते हो या आप स्प्रे भी कर सकते हो, बट ये मैं इसको ऐसे ही बॉटम सोकिंग करती हूँ। और डिपेंड करता है आप कहाँ पर रहते हो, उस जगह की ह्यूमिडिटी, उस जगह के टेम्परेचर, सारा कुछ के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं एवरी आफ्टर 2 डेज़ इसको बॉटम सोकिंग करती हूँ, और इसको मैंने ना साउथ फेसिंग मेरे बैल्कनी में शेड में रखा है, तो वहाँ पे बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। एक्चुअली इसके लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पे इसको रखे हो। आप ये बॉटम सोकिंग करने के बाद ना ये आफ्टर 5 मिनट्स आप इसको निकाल के आपने इसके जहाँ पे रखते हो वहाँ पे रख दो, और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख सकते हो इतना सुंदर होता है, इसके कितने सारे जो कलर्स होते हैं ना, जैसे इसके रेड है, पिंक है, येलो है, वाइट है, ब्लैक भी होता है इसका तो, और डबल कलर्ड भी होता है, स्ट्राइप्ड होता है, डिफरेंट शेप का होता है। तो ये बहुत अच्छा एक प्लांट है, और इंडोर तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसके वेट भी नहीं होता ना, आप देखो इसमें सॉइल भी नहीं है तो वेट भी नहीं है, तो बहुत इजीली आप कहीं पे जहाँ पे थोड़ा सा सनलाइट आए, जैसे बिल्कुल ही सनलाइट ना आए, अंधेरा हो तो उस जगह पर तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मान लो आपके ईस्ट फेसिंग विंडो में रख लो, या आप साउथ फेसिंग विंडो में रख लो, या वेस्ट फेसिंग विंडो में, डायरेक्ट सनलाइट में ना इसको प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैंने इसको अभी जैसे आपको मैं दिखा देती हूँ, जैसे अगर आप इसको सनलाइट, स्ट्रॉन्ग सनलाइट में रखोगे ना, तो उसके बर्न भी हो जाता है, लिप बर्न भी हो जाता है। अच्छा, इसके बाद मैं बता देती हूँ इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। तो मैं बेसिकली ये 2 फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, आप कहीं पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन नर्सरी में भी आपको मिल जाएगा। तो मेरा एक ये ग्रो करने के लिए है, ग्रोइंग प्लांट के लिए है, और ये स्पेशली मैंने ऑर्किड फर्टिलाइज़र ही यूज़ किया है, एक फ्लावरिंग के लिए है। और जैसे ग्रोइंग सीजन में ना, समर और स्प्रिंग में, आप इसको एवरी 15 डेज़ एक बार ऑल्टरनेट करके दे दो। तो एक तो मैं ग्रोइंग के लिए यूज़ करती हूँ 15 डेज़ में एक बार, और एक मैं इसको फ्लावरिंग के लिए यूज़ करती हूँ, और आफ्टर 15 डेज़ में एक बार करके, और बहुत डाइल्यूट, जो भी डायरेक्शन लिखा होता है ना इनके ऊपर, उससे भी डाइल्यूट करके मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए ना तो फिर ये ख़राब हो जाता है, लीव्स येलो होके गिर जाएगा, तो इसलिए। अच्छा, ये आप ना आजकल तो डेंड्रोबिया नर्सरी में 1-2 जो कॉमन है वो मिल जाता है, बाकी अगर आपको अच्छे से जैसे इतने सारे वैरायटीज़ और डिफरेंट कलर्स की चाहिए, तो आपको डिफरेंट वेबसाइट है ऑनलाइन में, फेसबुक में, अमेजन में, आप बहुत सारी जगह पे आप ये आराम से मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैं बता देती हूँ प्रोपगेशन के बारे में। आप देखो ये वाला जो प्लांट है ना, इसके सिर्फ इनको ना स्टेम, इनको केन बोला जाता है, डेंड्रोबियम के ये जो स्टेम्स है इसको केन बोला जाता है। अगर ये क्रेन ग्रीनिश रहे, लास्ट ईयर कुछ हुआ था, जैसे मैं हम लोगों के नेटिव प्लेस चली गई थी, तो मे बी इसको वाटरिंग नहीं हुआ था 15 डेज तक, तो सारे लीव्स झड़ गए थे, बट मैंने इसको कंटिन्यूसली, जब ये ग्रीनिश रहे ना तो आप इसको फेंक मत देना, ऐसे मत समझना कि इसके लीव्स नहीं है तो मतलब ये तो ख़राब हो गया, मर गया, ऐसा नहीं होता। आप देखो इसमें से कितने सारे प्लांट्स निकले हैं, 3 प्लांट्स निकले हैं। इसको मैंने ना मेरे बाथरूम में रखा था। बेसिकली क्या होता है कि जब बहुत ड्राई हो जाता है ना, इनको ह्यूमिडिटी चाहिए, बट ऐसे जगह पे आप रखो जहाँ पे इसको सनलाइट बिल्कुल ही ना, मतलब इनडायरेक्ट बहुत कम सनलाइट मिले, और थोड़ा मतलब इसमें ह्यूमिडिटी अच्छा मिले। तो इसको मैंने बाथरूम में रखा, आप देखो ऐसे मेरे 2-3 प्लांट्स, 2-3 या क्या 4-5 प्लांट्स ऐसे ही। अब ये भी देखो, इसको भी ऐसे ही हो गया था, ये तो ब्राउन हो गया। अभी इसको मैं आराम से निकाल सकती हूँ, ये देखो निकाल लिया। अभी इसको मैं नहीं निकाल रही हूँ,
जब अपने आप निकल जाएगा तो इसको ही करूँगी। अभी ये देखो इसमें से भी ऐसे प्लांट निकल गया, जैसे अगर 15 डेज के लिए चली गई और कोई मतलब नहीं इतना अच्छे से इसको पानी मिला तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जो है ना, जैसे यहाँ से देखो अब ये केन से भी एक ऐसे प्लांट निकला हुआ है, तो जब ये रूट्स 3-4 इंच का हो जाएगा ना तब इसको मैं अलग ही पॉट में लगा दूंगी, तो इससे आपका न्यू प्लांट बन जाएगा। इसके बाद जो है वह डिज़ीज़, इसमें डिज़ीज़ आज तक मैंने कुछ नहीं देखा, हाँ बट इसमें फंगल और डिज़ीज़ और बैक्टीरियल डिज़ीज़ कभी कभी हो जाता है। जब भी आप कहीं से ख़रीदो ना तो आप उसको देख के ख़रीदना, अगर हो भी जाए ना तो आप उसको सेपरेटली रख देना, नहीं तो आपके बाकी प्लांट्स में भी हो सकता है। तो मेरा एक दो प्लांट में हुआ था। रेगुलरली ना मैं इसमें नीम ऑयल स्प्रे करती हूँ, जैसे नीम ऑयल में थोड़ा सा सोप के ड्रॉप दे के उसको से स्प्रेयर में लेके उसमें मैं नीम ऑयल स्प्रे करती हूँ, तो इसीलिए मे भी मेरा इतना कोई इन्फेक्शन नहीं है। बट इसमें होता है बट बहुत रेयर है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत इजी टू केयर है, और जो इंडोर फ्लावरिंग प्लांट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और जब भी मान लो ये फ्लावरिंग हो गया ना अभी, तो इसको अभी तो सनलाइट की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो आप 7 डेज तक ना इसको आप जहाँ पे आपके टेबल पे या कहीं पे जहाँ पे आपको बेडरूम में जहाँ पे लगता है कि आपको थोड़ा सा वहाँ पे फ्लावर रखने का मन कर रहा है तो आप ये रख सकते हो। और ये जो फ्लावरिंग है ना, ये 1 मंथ 2 मंथ तक भी रह जाता है, तो ये बहुत इजी टू केयर है और बहुत अच्छा प्लांट है। जो प्लांट्स लगाना जिनका हॉबी है ना, उनके लिस्ट में ये रहना तो ज़रूर है, तो बहुत इजीली एनीबॉडी कैन ग्रो इट। ओके, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। ओके, थैंक यू, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।